जल्दी से पांच राज्यों के चुनावों का फाइनल स्कोर बता देते हैं ताकि आपको विश्लेषण भी ठीक से समझ में आए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन को 274 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 124, बीएसपी को सिर्फ एक, कांग्रेस को सिर्फ दो सीटें मिली है। बीजेपी को अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला है, हालांकि पिछली बार से उसकी 38 सीटें कम हुई। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी आखिरी ओवर तक बैटिंग की इस बार, लेकिन वो ये मैच जीत नहीं पाए। और अगर आप देखेंगे बीजेपी को 38 सीटों का नुकसान हो रहा है इस बार, समाजवादी पार्टी को 77 सीटों का फायदा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, बीएसपी को 18 सीटों का नुकसान, कांग्रेस को 5 सीटों का नुकसान और इंडिपेंडेंट जो है अदर्स में जो आते हैं उन्हें फायदा हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से झाड़ू लगा दी है। आम आदमी पार्टी को पंजाब की 117 सीटों में से 92 सीटें मिली हैं, यानी राज्य की लगभग 79% सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीत ली, जबकि कांग्रेस को 18 सीट मिली हैं, अकाली दल को सिर्फ 4, बीएसपी को सिर्फ 1 और बीजेपी को भी सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई हैं। यानी पंजाब के वोटर ने पूरे दिल से पहले ही यह तय कर लिया था कि उन्हें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लाना है और वो आखिर तक अपने उसी विचार के साथ बने रहे, चाहे लोगों ने उन्हें कितना भी भटकाने की कोशिश की। उत्तराखंड के चुनावी नतीजों ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। उत्तराखंड की 70 सीटों में से बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 18, बीएसपी को 2 और अन्य को भी 2 सीटें ही मिली है। इस राज्य के गठन के उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हुई। इससे पहले उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस की सरकार आती थी, फिर बीजेपी की सरकार आती थी, बारी बारी से आती थी, लेकिन बीजेपी ने आज इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी जीत गई है। इन दोनों राज्यों के नतीजे भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और गोवा मणिपुर से भी बीजेपी को अच्छी खबरें ही मिल रही हैं आपके स्क्रीन पर, वहां का भी स्कोर कार्ड है। मणिपुर में 7 सीटें हैं, बीजेपी को 32 मिली हैं, इसमें से कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, एनपीएफ को 5 मिली हैं और एनपीपी को भी 7 सीटें मिली हैं, अदर्स को 11 सीटें मिली।